प्राचीन कालरु भारत को दुर्ग एवं स्मारकी देश भावरे जाना जाय थाय। एहा एथिपाई कुवा जाउची कारण आमे देश रे ब्रिटिश मानको पूर्वरु विभिन्न अंचल रे अनेक राजा शासन करथिले आ एही समय मध्ये रे से माने अनेक दुर्ग निर्माण मध्ये करथिले। सेथिपाई आज आमे एमिते एक दुर्ग विषय रे कहिबाकु जाउछु जहा एपर्यंत रहस्य रे परिपूर्ण होई रहिछि एवं एही दुर्गर नाम हेउछि गोलकुंडा दुर्ग। वास्तव में गोलकुंडा दुर्गर निर्माण वारंगलर राजा द्वारा चतुर्दश शताब्दी रे होइथिला। एहि दुर्ग ग्रानाइट पहाड़ उपरे निर्मित होइथिला। मोट आठटी द्वार सहित एक दुर्गटी तीन माइल लंबा पत्थर प्राचीर द्वारा आबद्ध हो रही। एहि दुर्ग देशर बृहत्तम मानव निर्मित रद हुसैन सागर ठारु प्राय 9 किलोमीटर दूर से अवस्थित। एहि दुर्गर निर्माण 1610 करे शेष होइथिला किंतु एहार निर्माण आरंभ 13 शताब्दी रे आरंभ होइथिला। भारत रे एहि दुर्ग प्रसिद्ध कारण प्राचीन काल रे एठारे बहु परिमाण रे कपा चाष करा जाउथिला। एहा माध्यम रे कपा तयारी पोशाक विदेश रे बिक्री होउथिला जेउथि पई हैदराबाद रो गोलकुंडा दुर्ग प्राचीन काल रे देशर अर्थनीति रे एक प्रमुख अवदान थिला। एही दुर्ग आज भी एहार स्थापत्य पुराण कथा इतिहास एवं रहस्य पई जनाशुना रही। एही दुर्ग देश रे एपर्यंत प्रसिद्ध कारण दुनिया रो सबुठारु मूल्यवान हीरा एठारु मिलथिला। एही दुर्गर सबुठारु बड़ रहस्य हेउछि एहा एपरि भाबरे निर्माण करा जायछि जे जेतेबेले केही दुर्गर तळ भागरे ताली मारंती एहार शब्द बालाहिसार फाटकरु प्रतिध्वनित हुए एवं सारा दुर्गरे सुना जाए। आपण जाणी आश्चर्य हेबे जे आमर कोहिनूर हीरा जहाँ आज ब्रिटिश मानक पाखरे अछि सेमाने एहाकु हैदराबाद रो गोलकुंडा ठारु पाइछंती। विश्वर लोकप्रिय हीरा कोहिनूर दरियानूर नुरुल एन हीरा होप डायमंड एवं रिजेन डायमंड गोलकुंडारु खनन करा जायथिला। गोलकुंडा दुर्ग एहार अतीतर मुख साक्षी हेबा पाई एक पत्थर परी छिड़ा होइछि। जदिओ दुर्गर चारिपाखरे अनेक जिनस ध्वंस होइछि किंतु आज मध्य जेतेबेले लोकमाने हैदराबाद परिदर्शन करबाकु चांती सेमाने गोलकुंडा दुर्ग परिदर्शन करबाकु भूलंती नाही। ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।